नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। यूपी में देश का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। इसकी तैयारियों को लेकर काम शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दे दिया है। गंगा एक्सप्रेसवे अगले साल जून में बनना शुरू हो जाएगा और दिसंबर 2023 में इसे पूरे करने का लक्ष्य रखा गया है। बुंदेलखंड और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के सपने को साकार करने की दिशा में योगी सरकार गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर चुकी है। 1020 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि जमीन अधिग्रहण से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं, हर हाल में उसे दूर कर अगले साल बरसात के बाद काम शुरू कर दिया जाए। तीन फेज में गंगा एक्सप्रेसवे को बनाने का लक्ष्य रखा गया है। पहले फेज में जहां 594 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा, वहीं दूसरे फेज में 110 किलोमीटर और तीसरे फेज में 316 किलोमीटर का निर्माण किया जाएगा। पहले फेज के काम को दिसंबर 2023 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। पहले फेज में कुल 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा, जो 12 जिलों से होकर गुजरेगा। मेरठ से शुरू होकर बुलंदशहर, हापुड़, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज तक किया जाएगा। इस परियोजना की कुल संभावित लागत तकरीबन 36,410 करोड़ रुपए आंकी गई है, जिसमें जमीन अधिग्रहण के लिए 9,255 करोड़ रुपए और 22,145 करोड़ रुपए सिविल निर्माण में खर्च किए जाएंगे। 594 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे 6 लेन का होगा, जिसे भविष्य में 8 लेन तक बढ़ाया जा सकेगा। गंगा एक्सप्रेसवे पर 17 इंटरचेंज बनाए जाएंगे, जो प्रमुख शहरों से जुड़ेंगे। एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ 9 यात्री सुविधा केंद्र बनाए जाएंगे। गंगा एक्सप्रेसवे पर अधिकतम स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश में 3 एक्सप्रेसवे हैं, लखनऊ एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा होने के बाद दिल्ली से बिहार तक और उत्तराखंड के बॉर्डर से बिहार बॉर्डर तक पूरा क्षेत्र एक कॉरिडोर से जुड़ जाएगा। एक्सप्रेसवे के काफी फायदे हैं। एक तो कम समय में ज्यादा दूरी तय करना आसान होगा, ईंधन की खपत की कमी भी आएगी, जिससे प्रदूषण कम होगा, कृषि, वाणिज्यिक, पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा। तो कुल मिलाकर गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण होने के बाद यूपी में विकास की रफ्तार और तेज हो जाएगी। दुनिया में सबसे पहले अमेरिका ने सड़कों का जाल बिछाया था, उसके बाद सभी ने उसकी विकास गाथा को देखा। भारत में भी ऐसे एक्सप्रेसवेज की बहुत ज़रूरत है और उत्तर प्रदेश इस पर एक्सप्रेस गति से काम कर रहा है। हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। ये रिपोर्ट आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।